नमस्कार दोस्तों, मैं प्रश्न शर्मा आपका स्वागत करता हूं टिनटिन फिल्म एडवेंचर्स के इस शो कवि कल्चर लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में हम ऐसे कवियों को आपके सामने लाते हैं जिन्होंने देश विदेश में अपनी कविताओं से अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का शो कवि कल्चर लाइव। दोस्तों, हमारे आज के कवि पेशे से एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि कविताएं शौकिया लिखते हैं। ये लगभग 40 सालों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं। इसी दौरान ये कई लीडिंग न्यूज़पेपर्स के एडिटर भी रहे। वर्तमान में ये अपना एक साप्ताहिक अखबार चलाते हैं और A1 TV नामक न्यूज़ चैनल के चैनल हेड भी हैं। इनका एक आग का पेड़ नामक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। तो आइए स्वागत करते हैं जयपुर राजस्थान से आए हमारे आज के कवि अनिल लोढ़ा जी का। मेरी एक अपनी नज़र में बेहतरीन कविता है बच्चे, और इस कविता की सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक दिन मैं अपने दफ्तर में घुसा, नवभारत टाइम्स के दफ्तर में अजमेर में, अपने बेटे की तस्वीर देखी और कुछ मिनट में ये कविता जैसे झरते हुए झरने की तरह बाहर निकल के आ गई। इसमें मैंने कभी कोमा फुल स्टॉप चेंज नहीं किया, और इससे बड़ी बात यह कि लहर के संपादक यशस्वी कवि प्रकाश जैन ने जब इस कविता को पढ़ा उस समय, तो उन्होंने कहा मुझे इस बात का अफसोस है या इस बात की ईर्ष्या है कि यह कविता मैंने क्यों नहीं लिखी। इससे बड़ा रिवार्ड मुझे जीवन में कोई मिल नहीं सकता। बच्चे, बच्चे के माध्यम से मैंने बच्चे के माँ बाप से बात करने की कोशिश की है। आपने देखा होगा बच्चा जब बहुत छोटा होता है 5-7 दिन का, तो उसमें बड़ी खुशबू आती है, 2-3 महीने तक खुशबू रहती है। फिर बच्चा जब तुतलाने लगता है, कुछ बोलने लगता है, तो ऐसा लगता है हमारे घर आंगन में एक चिड़िया चहचहा रही है, एक कोयल बोल रही है। और उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, कुछ सवाल करने लगता है, जिज्ञासा सामने आती है, तो हमें लगता है बच्चा बहक रहा है, सवाल कर रहा है। बस ये 3 रूपक हैं बच्चे के, 3 रूप हैं, इनके माध्यम से मैंने बच्चों के बाप से बात करने की कोशिश की है। बच्चे एक उम्र तक महकते हैं, एक उम्र तक चहकते हैं, एक उम्र तक बहकते हैं बच्चे। बच्चे एक उम्र तक महकते हैं, एक उम्र तक चहकते हैं, एक उम्र तक बहकते हैं बच्चे। महकेंगे, चहकेंगे, बहकेंगे ही, फिर तलाश लेंगे अपना रास्ता आप ही आप। ओ बच्चों के बाप, तू अपने विषाद से उनकी मुस्कान तोलता क्यों है, अपने आशीर्वाद अभिशाप थोपता क्यों है। बच्चे महकेंगे, चहकेंगे, बहकेंगे ही, फिर तलाश लेंगे अपना रास्ता आप ही आप। ओ बच्चों के बाप, तू अपने विषाद से उनकी मुस्कान तोलता क्यों है, अपने अभिशाप आशीर्वाद थोपता क्यों है। फूटने दो अंकुर, उगने दो नई पौध, फूटने दो अंकुर, उगने दो नई पौध, जरूरत जितना ही दो, हवा पानी छाया धूप खाद, रखो याद ज़्यादा पानी फसल गला देता है, ज़्यादा चमक कर सूरज फसल जला देता है। बच्चों को महकने दो, चहकने दो, बहकने दो, ओ बच्चों के बाप। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख गए हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आप भी लिखने का शौक रखते हैं तो ये शो आप ही के लिए है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं।